Hello everyone. Hello everyone. Aloha. Aloha. We are in Maui. ये हमारा सेकेंड डे है मावी में। पहला डे तो हमारा बहुत रश में गया। हम लोग एयरपोर्ट से आए, एयरपोर्ट से आके हम वेल वॉचिंग पे गए। आज हम निकले हैं बाकी के बीचेस कवर करने के लिए। तो हम लोग आज वेस्ट एंड नॉर्थ शोर ऑफ द मावी आइलैंड कवर करेंगे। हाँ जी, तो हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं बाहर, और ये है हमारा ब्रेकफास्ट का लोकेशन। ये देखिए, ये हमारी गाड़ी, और ये है पूरा का पूरा इन जहाँ पे हम रुके हुए हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ फार्म हाउस फील टू इट, बहुत शांत। इट इज़ अ हिस्टोरिक साइट, हिस्टोरिक रेजिडेंस, हिस्टोरिक लफ्टन हाउस। हम लोग यहाँ रुके हैं, तो अभी हम अपना ब्रेकफास्ट अभी खत्म करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। हम लोग आज वेस्ट एंड नॉर्थ शोर ऑफ द मावी आइलैंड कवर करेंगे, जिसमें बहुत सारे बीचेस और सारे बीचेस ही बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा एक से बढ़कर एक। तो इसलिए कहाँ पे गाड़ी रोके, कहाँ जाए, इट्स लाइक इट बिकम्स रियली टफ। तो उसमें से हम लोगों ने कल रात को बैठ के बहुत गूगल किया। गूगल करके हमको 3-4 मेन बीचेस के बारे में पता चला जो कि यूजुअली लोग जाते हैं, तो हम उसी पे जाएंगे। और बीच में कोई भी अगर अच्छा, बहुत अच्छा हमको कोई व्यू पॉइंट मिला तो वहाँ गाड़ी रोक के देख लेंगे वो। बट हर एक बीच कवर करना इज इम्पॉसिबल। कहते हैं, आई मे बी रॉन्ग विद द नंबर्स, बट कहते हैं कि दिस आइलैंड इज विद 72 बीचेस। उसमें से हम लोग मेन बीचेस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। द ओनली थिंग वी वर एबल टू अंडरस्टैंड टिल नाउ, अभी तक जो हम समझ पाए हैं इस दो दिन के अंदर, वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन ओआहु एंड मावी, दो आइलैंड के बीच में डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही है कि जो ओआहु है इज वी मोर कमर्शियल, इज वी मोर कमर्शियल, वी मोर पीपल, ज्यादा लोग जाते हैं, क्राउडेड है, आपको पूरा वो सिटी का हसल बफल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इट इज लाइक यू आर ऑन लाइक सिक्लूडेड आइलैंड। यहाँ पे सारे आइलैंड में ही मतलब बहुत कम लोग हैं, आपको अपना पर्सनल टाइम मिलता है, राइट। और सड़के चौड़ी चौड़ी है, तो आपको वहाँ कोई स्काईस्क्रैपर नहीं मिलेगा कोई भी। यहाँ पे मतलब आप एकदम आराम से चलाओ। यहाँ पे कुछ रास्ते तो ऐसे जो कि बीच से कनेक्टेड है, वो सिर्फ सिंगल लेन है, तो अगर सबसे सामने वाला स्लो चला रहा है तो पीछे वाले सब स्लो ही चलाएंगे। ट्राइंग टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। और यही रेंटल गाड़ी होने का फायदा यही है, आप बहुत कुछ कवर कर सकते हो, जहाँ मन करे वहाँ रुक सकते हो। कोई आप टूर गाइड के साथ आप टाइड अप नहीं हो कि आपको ये चीज, ये बीच आपको 10-15 मिनट में निकलना है। आप अपना टाइम लो, वहाँ पे रुको, अपना टाइम स्पेंड करो, फिर दूसरे कहीं पे जगह पे चले जाओ। हम लोगों ने तो रेंटल कार का बहुत फायदा उठाया। मावी फिर भी बहुत छोटा आइलैंड है, ओआहु बड़ा आइलैंड है, लेकिन हमने ओआहु का भी कोई कोना नहीं छोड़ा। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, सब कवर किया, सब कवर किया। मावी में तो आई थिंक यू मस्ट हैव, इन मावी में देयर इज नो अदर वे आल्सो, इन ओआहु में देयर इज बसेस, उबर है, बसेस है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना बसेस दिखे मुझे अभी तक, दो दिन के अंदर एक बस नहीं दिखी है। हो सकता है उबर होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होगी, बट यहाँ पे तो मावी में तो चाहिए ही चाहिए। लोग निकले थे पाया सिटी के लिए, लेकिन रास्ता खो गए। अब रास्ता जब खो गए तो हमने देखा आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे ये चर्च, थोड़ा चर्च अंदर देख के आते हैं। यूजुअली चर्च इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट।
very old architecture, a very old town in Maui. It's called Paya Fish called Market. Paya Fish Market. Not fish market, the area is called Paya. ये पहला point है जहाँ से road to आना शुरू होता है. और हम लोग आज पास में थे इस जगह से, तो हम लोग आ गए. तो एक कम रास्ता, एक कम पॉइंट को हमको कवर करने को रोड टू हाना के लिए. बट हमको अब पता है कि हम लोग किस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ से ही वाटर इज ब्यूटीफुल. तो आगे हैं हम एयर मावी. यहाँ पे हमने बुकिंग की है हेलीकॉप्टर की. हम लोग को आधे घंटे पहले चेक इन करना था, हम चेक इन कर चुके हैं. नाउ वी आर सीटेड. वो हमको अब सीटिंग अरेंजमेंट बताएंगे एंड ऑल द प्रिकॉशन सेफ्टी मेजर सिखाएंगे. ये देखिए, ये हमको पहनने के लिए बोला है. इसके अंदर सेफ्टी वेस्ट है इनकेस ऑफ इमरजेंसी. Thank you.